सब्सक्राइब करें प्राइम लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कॉम्पिटेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, प्राइम लर्निंग चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का एग्जाम होने वाला है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दो दोस्तों कि आईबी का एग्जाम जो काफी समय के बाद हो रहा है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होगा 25 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि वर्ल्ड हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप आसानी से इसके आंसर्स को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो 3 पार्ट है वो है एप्टीट्यूड का पार्ट, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी का पार्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट। टोटली 100 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का टाइमिंग आपको मिलेगा फर्स्ट टायर में। तो दोस्तों, हम वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको काफी हेल्प करेंगे। वो है फ्रांस की राज क्रांति। तो फ्रांस की राज क्रांति के बारे में आप देखते हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रांस की राज क्रांति किसके शासन काल में हुई और यह कहाँ हुई? तो फ्रांस की राज क्रांति लुई 16वां के शासन काल में हुआ और यह 1789 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठे? तो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठे। अगला सवाल है, मैं ही राजी हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसने कही है? यह कथन लुई 14वां ने कही थी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? तो फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति वोल्टेयर की है, जिन्होंने ये कथन कहा था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है। अगला सवाल है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो माप तौल का जो दशमलव प्रणाली है वो फ्रांस देश की देन है। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। ये हमारे यूट्यूब का लिंक है जिसे आप कहीं भी क्लिक करके देख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, नेपोलियन का जन्म कब और कहां हुआ? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप जो कि आजोसिया में है। अगला सवाल है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नेपोलियन ने सर्वप्रथम बनियों का देश किसे कहा? नेपोलियन ने सर्वप्रथम बनियों का देश इंग्लैंड को कहा। अगला सवाल है, ट्रफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में ये ट्रफलगर का युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना वोल्टेयर की है। अगला सवाल देखते हैं, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना कब किया? तो नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो नेपोलियन का पतन का मुख्य कारण रूस पर आक्रमण करना था जो उनके पतन का मुख्य कारण बना। अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है? तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, वर्सिया को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? तो वर्सिया को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो बेसिकली इसका आंसर है फ्रांस की राज क्रांति की ये देन है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कानून की आत्मा की रचना किसने की? तो कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। अगला सवाल है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब माना जाता है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को माना जाता है। अगला सवाल है, टेले क्या है? तो टेले एक भूमिकर है फ्रांस का। अगला सवाल देखते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, लिटिल कार योरल के नाम से किसको जाना जाता है? तो लिटिल कार योरल के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। अगला सवाल है, मित्र राष्ट्रों के सेना ने नेपोलियन को कब व किस युद्ध में पराजित किया? तो मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 1815 ईस्वी में वट रूल युद्ध में पराजित किया था। अगला सवाल देखते हैं, नेपोलियन ने कानून का संहिताकरण किया उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेपोलियन कोड कहते हैं।
अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नेपोलियन की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में सेंट हेलेन द्वीप में हुई। तो दोस्तों ये थे वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आगे एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस पीडीएफ को अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक है t.me/primelearnin, या फिर आप अपने टेलीग्राम में @primelearnin को सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको हर किस्म की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। यदि दोस्तों आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो प्राइम लर्निंग के द्वारा जो भी पहले भी पीडीएफ अपलोड की गई है वो भी आप उन्हें देख सकते हो, इजिली एक्सेस कर सकते हो, उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर ये आपके लिए लाभदायक हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईबी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।